मेरा नाम रूपा रानी तिर्की है। Give it a try. Is there to be a limit in spa miracle or is it gold for India? Gold for India. Outstanding match all round, really. Well, they've improved as the tournament's gone along. It's a first Commonwealth long bowls medal for India. And they've done it in style with a goal. क्योंकि चार बार हम लोग पिछले जब कॉमनवेल्थ था हम लोग खेल रहे थे और एक भी मेडल इंडिया को इस गेम में नहीं मिला था और अगर इस कॉमनवेल्थ गेम में अगर इंडिया इस बार चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो अगर मेडल नहीं जीते तो नेक्स्ट टाइम से इंडियन टीम इस गेम में जाती ही नहीं लॉन बॉल का। तो हम लोग जो 15 साल 12 साल इस गेम को हम लोग समय दिए हैं तो हम लोग चाहते थे कि किसी भी तरीके से एक ब्रॉन्ज मेडल देश को मिल जाए ताकि ये टीम कंटिन्यू कॉमनवेल्थ में जाए और अच्छा करे आगे। हाँ, मैं पहले कबड्डी खेलती थी और कबड्डी मुझे बहुत पसंद था, अभी भी बहुत पसंद है। स्कूल के समय स्कूल की टीम में थी मैं और कॉलेज की टीम में, फिर जो मैं रांची में थी और झारखंड में थी झारखंड की टीम को भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो कबड्डी एक टीम गेम होता था, मुझे एक इंडिविजुअल और मतलब सिंगल पेयर्स ट्रिपल्स इस टाइप के मैच खेलने की चाह थी। तो इंडिविजुअल गेम खेलने की चाह ने मुझे इस गेम की ओर आकर्षित किया और ये गेम जो एकदम नया है उस समय 2010 कॉमनवेल्थ जब होने थे दिल्ली में तो उसके लिए पूरे इंडिया में और दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए जगह जगह कैंप लग रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम का कोर गेम है ये लॉन बॉल, तो इंडिया की टीम भी बननी थी तो उसके लिए हमारा सिलेक्शन होना था। ऑस्ट्रेलिया से आए थे कोच जिसको साई ने अपॉइंट किया था और फिर यहाँ पे रांची में ही कॉमनवेल्थ गेम्स का कैंप लगा, फिर कलकत्ता में लगा। तो ये जो गेम था ये नया था, मैं सोचती थी कि अगर इस गेम में शुरू से शुरुआत करूँगी तो बाद में आगे तक जा सकती हूँ। तो यही सोच और इंडिविजुअल गेम खेलने की चाह ने मुझे इस गेम की ओर आकर्षित किया। परिवार का बहुत ही सपोर्ट रहा है मेरे इस गेम में, ना सिर्फ लॉन बॉल में बल्कि जब मैं कबड्डी भी खेलती थी। मेरे पापा एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, उन्होंने भी हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। हम तीन बहन हैं, मेरी छोटी बहन भी बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर रही और बड़ी वाली बहन भी क्रिकेट खेलती थी, तो परिवार में एक खेल का माहौल था। तो जब मैं इस गेम को चुनी तो बहुत ही लोगों की आलोचनाएं भी सुनी कि ये कौन सा गेम है, तुम इस गेम को क्यों खेल रही हो, कबड्डी खेलती थी तो उसी को कंटिन्यू करो या हॉकी या क्रिकेट जैसे गेम खेलो। तो मैं सोचती थी कि ये लोग बहुत आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये गेम मुझे अच्छा लगने लगा था और मुझे चाह थी कि मैं इसी गेम को लेके आगे बढ़ूँ, तो मैंने इसी को चुना। और जब मेडल जीत के आई तो उसका मतलब जो एक्सपीरियंस रहा जब जीता उसको मैं अनुभव को मैं बयां नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इस गेम का जब मेडल जीते हम लोग। देखिए, सरकार का शुरू से सपोर्ट रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में, ये गेम है और सरकार ने खेल नीति बनाई है जिसके तहत कॉमनवेल्थ एशियन चैंपियनशिप और ओलंपिक में जितने भी लोग पदक प्राप्त करके आएंगे उनको कैश अवार्ड और स्टाइपेंड से सम्मानित किया जाता है। 2007 में जब मैं गुवाहाटी में नेशनल गेम्स खेल के आई थी और लॉन बॉल में ही ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, उस समय झारखंड की सरकार ने खेल नीति के तहत मुझे स्टाइपेंड के तौर पे 72,000 रुपये और कैश अवार्ड 1.5 लाख रुपये के जैसे हम लोगों को हमारी टीम को मिले थे। तो 2007 में ये एक नगद पुरस्कार की राशि और स्टाइपेंड प्राप्त करना बहुत बड़ी बात थी। तो ये एक सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन था मुझे इस गेम में, मैंने सोचती थी कि मैं इतने साल कबड्डी खेली लेकिन कुछ नहीं मिला और इस गेम में मैं एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हूँ तो सरकार ने सपोर्ट किया। और शुरू से देखा जाए तो जब भी मैं खेलने गई बाहर या फिर नेशनल या कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर और जो भी गेम खेलने गई, जहाँ जहाँ सरकार की नीति में जिस जिस गेम का मेडल का पैसा मिलना था सरकार ने मुझे
दिया और स्टाइपेंड जब तक मेरी नौकरी नहीं लगी सरकार ने मुझे हर साल 72,000 रुपए स्टाइपेंड के तौर पे सम्मानित किया मुझे। हाँ जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जिस राज्य से आती हूँ झारखंड, बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य था एक समय, 2000 में इस नया राज्य बनकर आया था और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी। मैंने जब लॉन बॉल शुरुआत किया था, मैं खुद हॉकी के ग्राउंड में मैं प्रैक्टिस करती थी, सिर्फ हमारे पास लॉन बॉल के नाम पे 2 सेट बॉल हुआ करते थे और उसी बॉल से हम लोगों ने खेला, मेहनत की और फिर आगे जाकर हम लोगों को वो ग्राउंड मिला, आसाम में मिला और फिर झारखंड में नेशनल गेम्स 2011 में होने वाले थे तो उसमें फिर झारखंड में नया ग्राउंड बना। तो ग्राउंड की बहुत ही अहमियत है, क्या स्किल होना चाहिए, कैसे खेलना है और किस तरीके से टेक्निक यूज़ होगा, ये बहुत ज़रूरी है एक प्लेयर में के आगे बढ़ने के लिए। खेल में पहले बोला जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, लेकिन आज एकदम समय बदल गया है, आज खेल कूद में भी लोग अपना भविष्य देख रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल के आने पे आजकल बहुत सारी सरकार आप देखिएगा तो बड़े बड़े पदों पर उन्हें नियुक्ति दे रही है और ऐसे ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं जो खिलाड़ियों के हित में हैं। तो ऐसा नहीं है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, लेकिन अगर दूसरे देशों की तुलना में अगर यहाँ देखा जाए और झारखंड में दूसरे राज्यों की तुलना में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन यहाँ के खिलाड़ियों में योग्यता है, मेहनती है, कम सुविधा और अभाव में भी वो अच्छा कर रहे हैं। देखिए झारखंड की बेटियाँ, सही कहा आपने कि जो गांव देहात की बेटियां हैं वो आज भी बहुत ही झिझकती हैं, उनको खेत में काम करना और बकरी चराना वही तक आज सीमित है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो पढ़ने में जुझारू होती है, उनको पढ़ने में मन लगता है, सरकार की बहुत सारी नीति है, शिक्षा की नीति में उनको एडुकेशन दिया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हो रही है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी ऐसी ऐसे जगह हैं जहाँ तक वो योजनाएँ या फिर वो चीज़ पहुँच नहीं पाई है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सरकार अपना जितनी भी योजनाएं वो अभी कर रही है वो तेज़ी से करे, ज़मीन पे वो लाएं और जो ग्रास रूट लेवल के जो खिलाड़ी हैं, जो गांव देहात में रहते हैं, जो पहाड़ों में चलते हैं और फिर भेड़ बकरी और ये चराते हैं, उनके अंदर असीम मतलब क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है जो ट्राइबल्स होते हैं, तो उतना तो मैं सलाह मशवरा के नाम पर यही कहूँगी कि अगर ग्रास रूट लेवल पे अगर काम किया जाए तो ये आने वाले समय में झारखंड के विकास में अच्छा होगा। जी मैं कहना चाहूंगी लॉन बॉल, देखिए 2010 से कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया इंडिया, 1930 से कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहा है लॉन बॉल और 92 वर्ष के बाद इसमें एक गोल्ड मेडल आया है कॉमनवेल्थ गेम्स में, 4 गर्ल्स और 4 बॉयज में, मतलब 8 गोल्ड मेडल दाव पे होते हैं। तो अगर सरकार या फिर जो भी है वो अगर इस खेल में आगे बढ़े या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए या फिर अपने अपने स्टेट में लॉन बॉल को अगर मोटिवेट करे तो आने वाले समय में एक गोल्ड मेडल अभी हम लोग लाए हैं और भी गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल इंडिया को मिल सकता है। और बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो बहुत पहले से हैं और अभी तो लॉन बॉल इंडिया में पनप रहा है, अगर यहाँ पे अगर दूसरे स्टेट में अगर कोशिश की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ या फिर खिलाड़ियों को मोटिवेट किया जाए लॉन बॉल में, क्योंकि ये गेम में एज बैरियर नहीं है, 9 to 99 ईयर्स खेल सकते हैं, तो आने वाले समय में मेडल टैली में अगर इंडिया अगर इसमें 3-4 गोल्ड मेडल और मिल जाए लॉन बॉल में तो वो आगे जा सकता है इंडिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, टॉपर तो मैं बाद में बनी हूँ, पहले मैं कमज़ोर थी पढ़ाई करने में, लेकिन फिर मैं जब मैं खेल में आई तो फिर मैं दूसरे खिलाड़ियों को देखती थी जो मतलब जीतते थे या फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स, सबको देखती थी कि इतना अच्छा वो लोग कर रहे हैं, वो बोलते थे कि हम इतना घंटा प्रैक्टिस करते हैं ये वो, तो मैं भी यही सोचती थी कि जब वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। टीवी के मामले में मैं बहुत दूर ही रहना पसंद करती थी, मैं जब भी आती थी मुझे टीवी खोल दो चैनल दे दो मैं छूंगी नहीं टीवी बोलती थी, तुम लोग करो, कभी कभी मुझे एक दो बार करंट भी मारा था
तो मैं बोलती थी कि नहीं मैं नहीं खोलूंगी बोल के। अभी भी यहाँ पे भी मैं अपने ससुराल में भी टीवी वीवी खोलती उलती नहीं हूँ वैसे, मतलब। और सीखने के भी मैं उत्सुक नहीं हूँ, इच्छुक नहीं थी कि मुझे टीवी चलाना है इस टाइप का। देखिए होता होगा किसी का, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का, मेरे परिवार, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, सबका हाथ है। मेरे कोच हैं और मेरे जो वेल विशर्स हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, उन सबका हाथ मैं कहना चाहूँगी। पीछे 15 सालों में हम लोगों ने उतना लॉन बॉल में उतना कुछ अचीव नहीं कर पाया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमें मोटिवेट करते थे, खेलते रहो, अच्छा कर रही हो, एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा होगा। मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया कि कभी उन्होंने कुछ कमी होने नहीं दिया, मतलब कुछ सामान खरीदना है स्पोर्ट्स का तो वो मुझे हेल्प करती थी। और फिर जब मैं शादी होके आई तो मैं मना कर रही थी मेरे हस्बैंड को कि मैं नहीं खेलने जाऊँगी, उसने भी मुझे सपोर्ट किया कि नहीं इतने साल खेली हो तो एक बार खेल के आ जाओ बोल के। तो उसी सपोर्ट के बदौलत पे आज मैं हूँ। अगर कुछ बोल देते लोग कि अब छोड़ दो खेलना, नहीं खेलो अब इस गेम को, तुम्हारा बस हो गया, कुछ कर नहीं पाए, आगे भी नहीं कर पाएगी, अगर शायद ऐसा मुझे मेरे फैमिली वाले या मेरे हस्बैंड या कोई मेरे दोस्त वेलविशर्स बोलते तो शायद मैं छोड़ देती। कभी कभी मैंने अपना मन भी बनाया था कि नहीं अभी 3 कॉमनवेल्थ हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे करके बहुत बार सोचा भी था। मैंने अपना जो मैं बॉल खरीद के लाई थी ऑस्ट्रेलिया से, मैंने उसको बेच भी दिया कि नहीं अब नहीं खेलूंगी बोल। तो ऐसे सिचुएशन अप एंड डाउन मेरी लाइफ में आए थे, लेकिन लोगों ने बोला कि इतने समय इतने साल तुमने दिया है इस गेम को तो कंटिन्यू करो, मेहनत एकदम मेहनत का फल मीठा होता है, आज ना कल अच्छा होगा। तो उस चीज को मैंने किया। रिएक्शन क्या था तो जवाब नहीं है मेरे पास, ये बहुत ही मतलब दिल से बहुत खुशी लगा, मतलब जवाब नहीं है उसका कि क्या बोले उस पे। इतना गर्व महसूस हुआ मतलब कि चलो मतलब कि हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे स्टेट का, प्लस सबसे बड़ी बात हम लोगों के परिवार के लिए, मतलब कि दोनों फैमिली के लिए, रांची और यहाँ के लिए बहुत गर्व का बात हो गया कि हमारे एक सदस्य मतलब कि देश का नाम रोशन कर रही है। उस समय बोला भी जा रहा चैबासा की बहू, मतलब देश की बेटी चैबासा की बहू रूपा रानी तिरछी, इस तरह का स्लोगन था जब स्वागत किया जा रहा था इस समय। आपके सरनेम है वो आपके परिवार के, आपके खानदान के जो भी है उसकी आपकी निशानी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है और आगे भी चलेगा। और वो सरनेम को आपको तो गर्व से नाम लेना चाहिए। आज मुझे रूपा रानी तिरकी, तिरकी के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं अपने पीछे में तिरकी ही लिखाती हूँ अधिकतर। कभी कभी इंडिया टीम में जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि तिरकी लिखना अच्छा होगा बोल के, चूंकि ये मेरे खानदान की पहचान है और बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट भी होते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये हमारी फैमिली से है ऐसे। तो आपको अपनी वेश आप विकास कीजिए, देश आगे बढ़ रहा है, आप भी देश के साथ बढ़िए और विकास कीजिए, लेकिन अपनी वेशभूषा, खान पान और अपनी संस्कृति को भी आगे ले जाइए आप सब कीजिए। और जिस तरीके से आप विकास में आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से अपनी संस्कृति को और अपने वेशभूषा खान पान को भी आगे बढ़ाइए, मेरा यही संदेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, आप सबों का प्रेम ही है। और ज़िंदगी में यही है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, आप स्ट्रगल करते रहिए और ऐसा नहीं है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और सबकी अपनी अपनी भगवान में आस्था है, मेरी भी आस्था है अपने जीजस में, मैं उनको भी फॉलो करती हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है ईश्वर ने दिया ईश्वर ने लिया, ईश्वर का नाम धन्य है। तो हर परिस्थिति में चाहे दुख हो या सुख हो हम लोगों को ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहिए। और परिवार जो होता है एक बहुत बड़ा सपोर्टर होता है, अपने परिवार को साथ लेके चलिए और जो जिस भी परिस्थिति हो जो भी हो हमेशा सुख नहीं रहता और हमेशा दुख नहीं रहता, स्ट्रगल करते रहिए, जब तक जिंदगी है तब तक स्ट्रगल है। और अगर आप इस जिंदगी में अगर आप लड़ रहे हैं और लड़ के अच्छा जीवन जी रहे हैं तो यही आपके जीवन को सफल बनाता है।